गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रायिकता घनत्व और चिरसम्मत सिद्धांत से तुलना। मींस कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की क्लासिकल थ्योरी जो है उससे कंपैरिजन करेंगे कि हमने क्या है लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल का कर्व ड्रॉ किया था और उसका कर्व जो था वो कुछ इस तरीके का था। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसको जैसे इस तरीके का उसका कर्व था और एनर्जी जो है उस पार्टिकल की यहाँ कुछ थी। तो ये जो रीज़न है बीच वाला, इसके अंदर जो है वो पार्टिकल बाउंड था और उसके लिए हमने क्या किया था, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली थी और साथ ही हम लोगों ने उसके एनर्जी आइगन फंक्शन भी निकाले थे। और हम लोगों ने स्टडी किया था कि इन वन डी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टिकल जब बाउंड होता है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। उसकी एनर्जी जैसे हाफ एच कट ओमेगा, ये कुछ थी ना, हाफ एच कट ओमेगा, और उसके बाद 3/2, इसके बाद 5/2 एन के मान बढ़ते जाने के साथ उसकी ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ रहा था। और उनकी ऊर्जा के मध्य, उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के मध्य अंतराल जो था, गैप जो था वो समान था, जैसे एच कट ओमेगा का गैप था सबके अंदर। और उसके अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जैसे एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ऊर्जा जो है वो ज़ीरो नहीं होती है, वो होती है हाफ़ एच कट ओमेगा, जिसे हम लोगों ने कहा था ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। तो क्लासिकल तो ये कहती है कि जब पार्टिकल रेस्ट में होता है, या यूँ कहें कि मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में जब होता है, तो उसकी पोजिशन जो होती है वो एक्स इज़ इक्वल टू, सॉरी आज लिखने में ही नहीं आ रहा, एक्स इज़ इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो पोजीशन जब एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है तो पार्टिकल विराम अवस्था में होता है, ठीक है, और उसकी कोई भी यूं कहें कि उसकी कोई भी एनर्जी जो है वो उस टाइम नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी क्या है, ज़ीरो होगी। लेकिन क्वांटम ये कहती है कि पार्टिकल जो है वो विरामावस्था में रह ही नहीं सकता अनिश्चितता के सिद्धांत से, क्योंकि अनिश्चितता के सिद्धांत से अगर मूल अवस्था में उसकी स्थिति जो है वो पूरी यथार्थता से ज्ञात नहीं की जा सकती। डेल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू क्वांटम। तो हमने क्लासिकल के थ्योरी के अगेंस्ट, मतलब या यूँ कहें कि उसके बिल्कुल अलग परिणाम हमें प्राप्त हुआ था, जिसे हमने क्वांटम थ्योरी कहा था या क्वांटम का विशिष्ट इफ़ेक्ट भी कहते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट भी कहते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जैसे साई तो क्या बताता है, साई एक वेव फंक्शन है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव नेचर को शो करता है। वो बताता है किसी टाइम टी पर और पोजीशन एक्स पर किसी कण के स्थित होने की प्रायिकता को बताता है, जिसे मोड साई एक्स टी स्क्वायर करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर वेव फंक्शंस निकाल लिए थे साई के मान, हमने हर्माइट पॉलिनोमियल यूज़ किया था और लैम्डा जो है वो जैसे हर्माइट सीरीज जो है उसके अंदर वाई की स्पेशल जैसे घात जो है वो बढ़ती जाती है, तो उसको वाई को एक जगह लिमिट करना था क्योंकि साई की जो कंडीशंस होती हैं कि साई शुड बी फाइनाइट, तो लैम्डा को हमने फाइनाइट किया था, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2n+1 की कंडीशन के साथ। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लासिकल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है और क्वांटम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। तो क्लासिकली तो क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल की स्थिति जो है उसको एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से लिखें तो उसका जो वेग है उसको लिखेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वेग इज़ इक्वल टू dx/dt, और एनर्जी हो गई E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये एनर्जी कहाँ पर हो गई है, ये एनर्जी हो गई है एट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आर विच, मतलब टर्निंग पॉइंट कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मीन्स अगर ये हमारा कर्व है और ये जो पॉइंट रहते हैं ये वाले, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, इन्हें हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो E इज़ इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हो, a इज़ इक्वल टू 2E m ओमेगा स्क्वायर और उसका रूट प्लस माइनस a दोनों के लिए, ठीक है। और E इज़ इक्वल टू Vx एट x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
ए होता है, ठीक है। क्लासिकल क्या कहती है कि अगर कोई कण जो है वो स्थिति एक्स पर है, जैसे मान लीजिए इस स्थिति पर है, तो उस उसके डी एक्स अंतराल में जो पाए जाने की प्रायिकता है वो होगी पी सी एक्स और डी एक्स। उसको क्या कहते हैं, पी सी एक्स और डी एक्स इंटू डी एक्स। और ये किसके बराबर होती है, उस दूरी में कण द्वारा व्यतीत समय के अंश के बराबर होती है। मान लीजिए वो कण जो है वो उस dx डिस्टेंस के अंदर, dx डिस्टेंस के अंदर जो टाइम स्पेंड करेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, v उसका वेग है, तो इतना समय व्यतीत करेगा, है ना। और इतना समय भी जैसे क्या होता है, ऑसिलेशंस होंगे, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो टोटल कितना टाइम स्पेंड करेगा, 2dx बाई वी। और टोटल टाइम के कंपेरिजन में ये कैपिटल टी क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डी एक्स इज इक्वल टू पाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जो है वो वेरी करेगा 0 से a तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बराबर प्लस माइनस ए क्या है, चिरसम्मत प्रायिकता अधिकतम होती है। क्लासिकल कहती है कि टर्निंग पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और सेंटर में क्या होती है, ज़ीरो होती है, ये कहना चाहता है ये। तो वाई इज़ इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा एक्स, तो हम एक्स की जगह वाई रख देंगे, वाई स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा यहाँ पे आ ही जाएगा। डी एक्स को आप लिखोगे तो डी वाई बराबर अल्फ़ा डी एक्स, तो डी एक्स को रिप्लेस करोगे तो डी वाई बाई अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बटे पाई रूट ए अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ये पी सी वाई है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्वांटम में क्या होता है, स्थिति प्रायिकता घनत्व मोड साई एन एक्स स्क्वायर, ये होती है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रायिकता क्या होती है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम पूरे समय अंतराल के लिए या पूरी स्पेस के लिए जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स इज इक्वल टू वन, ये होता है इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं। तो मोड साई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोजिशन सॉरी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो स्थिति एक्स एक मिनट रुकिए आप, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पी क्यू वाई या क्वांटम प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मोड साई एन वाई स्क्वायर हो गया। n इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 हम लोग कर ही सकते हैं जैसे कि हमने किया ही था पहले। और पी सी वाई और पी क्यू वाई के हम लोगों ने ग्राफ खींचे हैं, तो हम ये देखते हैं ग्राफ के अंदर जैसे n की स्मॉल वैल्यूज़ होती है ना, तो वहाँ पर तो बहुत ही लार्ज डिस्क्रिपेंसी देखने को हमें मिलती है, बहुत ही बड़ा अंतर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन n की लार्ज वैल्यूज़ पे क्या होता है, ये अंतर जो है वो कम हो जाता है। जैसे एन पर जैसे हम लोगों ने देखा, ये देखिए फर्स्ट कर्व जो है वो देखिए, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है, डैश वाली लाइन जो है वो तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को बताती है, और वो रेगुलर वाली लाइन जो है वो क्वांटम प्रोबेबिलिटी को बताती है। तो क्वांटम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेंटर पे मैक्सिमम है, और क्लासिकल वाली क्या है, सेंटर पे ज़ीरो है। इसी तरीके से जैसे टर्निंग पॉइंट्स पर जब हम जाते हैं, तो क्वांटम वाली टर्निंग पॉइंट्स पे कम हो जाती है, और क्लासिकल वाली क्या है, मैक्सिमम हो जाती है। ये हर एक ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राउंड लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए भी आप देखिए, इसकी तो सेंटर में क्या है, ज़ीरो, और इसकी सेंटर में क्या है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से टर्निंग पॉइंट्स पे जो है ये ज़ीरो है, और क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स पे क्या है, ये मैक्सिमम हो रहा है। तो क्लासिकल तो कहती है टर्निंग पॉइंट्स पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और सेंटर में कम होती है, सेंटर में हमारे पास ज़्यादा मिल रही है। कुछ एक ग्राफ में जैसे ये एंटी सिमेट्रिक का कर्व है, तो हाँ इसमें हमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है, जैसे ये भी एंटी सिमेट्रिक का है, तो एंटी सिमेट्रिक में तो क्या है, क्लासिकल वाली ज़्यादा हो जाती है और क्वांटम वाली कम हो जाती है सेंटर पे। और टर्निंग पॉइंट्स पे तो क्या है, ऑलवेज क्लासिकल ज़्यादा बता रही है और क्वांटम जो है वो लोअर बता रही है। और क्लासिकली एक चीज़ और देखने को मिलेगी हमें, जैसे इन कर्व से ही हम लोग सारा जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासिकली तो क्या है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट्स है, मींस कि ये दीवार है पोटेंशियल की, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, इन दीवारों से कम है। तो क्लासिकल तो ये कहती है कि पार्टिकल जो है इन दीवारों के बाहर जो है वो हो ही नहीं सकता, तो उसका जो भी वेव नेचर शो होगा वो इस बॉक्स के अंदर अंदर बाउंड स्टेट में शो होगा। लेकिन क्वांटम जो है वो देखिए, इस दीवार के बाहर भी वेव फंक्शन जो है वो जा रहा है, इसका मतलब क्वांटम में बाहर भी क्या है, इसके पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी होती है।
तो क्या होगा, हम लोग इसमें तो क्लासिकली तो हमें जहाँ पे जो बिहेवियर शो हो रहा है क्वांटम में क्या है, बिल्कुल इससे उल्टा बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे साई टू स्क्वायर में भी यही है, साई थ्री में भी ऐसा ही है, लेकिन साई टेन का कर्व जो है ना वो अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो वो क्लासिकल का जो कर्व है बिल्कुल उसके जैसा साई मिलता है हमें, लगभग उसके जैसा ही बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन हमें क्या है बिहेवियर जो है वो थोड़ा सिमिलर मिलता है क्लासिकल के साथ। तो इस थ्योरी के अंदर भी हमने यही लिखा है कि एन इज इक्वल टू जीरो पर क्वांटम यांत्रिकी जो है वो प्रायिकता घनत्व मोड साई एन वाई स्क्वायर वाई बराबर जीरो अर्थात एक्स बराबर जीरो पर अधिकतम है, और चिरसम्मत यांत्रिकी में क्या है एक्स बराबर जीरो पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है न्यूनतम है। क्लासिकली क्या है टर्निंग पॉइंट्स में प्रायिकता क्या होती है अधिकतम होती है। एन के लघु मानों पर चिरसम्मत व क्वांटम परिणाम भिन्न है, और वर्तन बिंदुओं के बाहर जाने की प्रायिकता चिरसम्मत यांत्रिकी में शून्य होती है, बट क्वांटम मैकेनिकली क्या है बाहर भी इसके अंदर वेव फंक्शन हमने शो किए हैं, लेकिन बाहर क्या है दूरी बढ़ने के साथ ये तेज़ी से कम हो जाते हैं, वैल्यू कम ही होती है और दूरी बढ़ने के साथ ये तेज़ी से क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। एन के एन इज इक्वल टू टेन के लिए जो कर्व दिखाया गया उसमें क्या है तीव्र फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन इसका जो औसत मान है वो लगभग उसी प्रकार का है जैसा कि चिरसम्मत प्रायिकता घनत्व में होता है, और एन के लार्ज वैल्यूज के लिए क्वांटम निकायों का व्यवहार जो है वो चिरसम्मत व्यवहार के सिमिलर होता है। तो हमने जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है और जो क्वांटम प्रोबेबिलिटी है दोनों से ये डिस्कर्स निकाला कि एन की स्मॉल वैल्यू पे तो बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है, बट एन की जो लार्ज वैल्यूज है उन पर बिहेवियर जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी। जैसे कि हम लोगों ने 1D ऑसिलेटर के अंदर एनर्जी निकाली थी, तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी जो है वो ज़ीरो ना होकर के क्या होती है हाफ एच कट ओमेगा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। चिरसम्मत यांत्रिकी क्या कहती है, चिरसम्मत यांत्रिकी ये कहती है कि जो दोलित्र होता है ऑसिलेटर होता है उसकी मिनिमम एनर्जी जो होती है वो होती है शून्य, क्योंकि पार्टिकल क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन में है। एक्स इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन में अगर पार्टिकल है स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में उसका संवेग भी शून्य है, परंतु अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों का मान यथार्थता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो तो इसको मतलब ऑब्जेक्ट करता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्स जीरो है ठीक है लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। तो क्लासिकल ये मानकर चलती है कि एक्स भी जीरो है और मोमेंटम तीन जो है वो भी जीरो है, लेकिन अनिश्चितता के सिद्धांत से दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, दोनों क्या है इस कंडीशन का पालन करते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू। क्वांटम मैकेनिकली वो अनिश्चितता का सिद्धांत जो अगर फुलफिल करेंगे तो वो इस कंडीशन का पालन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं अनिश्चितता के सिद्धांत से मिनिमम एनर्जी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स को डेल एक्स से और पी एक्स को डेल पी एक्स से हमने रिप्लेस कर दिया है इसके अंदर, और ये कंडीशन जो है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच कट बाई टू, ये कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं एच कट बाई टू डेल एक्स, तो वो हमने यहाँ रख दिया एच कट बाई टू डेल एक्स, तो टू तो इसके पास ऑलरेडी था और एक एम था, बाकी इसका एच कट स्क्वायर फोर डेल एक्स स्क्वायर आ गया, इधर क्या है के डेल एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या है मिनिमम एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड लेवल की एनर्जी निकालनी है। तो मिनिमम एनर्जी अगर ग्राउंड लेवल की एनर्जी जो होती है वो एक्स के सापेक्ष अगर उसका आप अवकलन करोगे तो जीरो के बराबर रखने से प्राप्त होगी, ठीक है मिनिमम एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे इसका अवकलन कर लेंगे, तो डी ई बाई डी डेल एक्स, तो अवकलन करेंगे तो ये डेल एक्स स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का टू आएगा, और जैसे इसमें आया ये माइनस का टू और नीचे डेल एक्स की पावर थ्री बन गया, ऊपर बना था माइनस का थ्री वो आप उसको नीचे लेके आओगे तो प्लस का थ्री बन गया, और इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा टू के डेल एक्स। अब आप इन दोनों को बराबर रख लीजिए तो के डेल एक्स और इधर एच कट स्क्वायर फोर डेल एक्स की पावर थ्री एम, तो ये टू जो है ये बट्टे वाला टू तो बराबर जीरो होने से हटा दिया, ऊपर वाला टू जो है इससे हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया डेल एक्स की पावर फोर बराबर एच कट स्क्वायर फोर एम के, या होल स्क्वायर करेंगे तो एच कट बटे टू रूट एम के,
इस मान को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस मान को जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, E इज इक्वल टू हाफ एच कट स्क्वायर बाई 4m, 4m तो था ही, डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एच कट रूट 2m के, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर इसके अंदर k और डेल एक्स स्क्वायर की एच कट ओवर 2 रूट एम के। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आता है, एच कट से एक एच कट गया, ऊपर रूट एम है तो नीचे रूट एम बन गया, ऊपर रूट के रह गया और बट्टे 2 आ गया, ऐसा ही बिल्कुल इधर बन जाता है, और k से k कट जाएगा तो एच कट बाई 2 तो बाहर निकालो, रूट के बाई एम ये बन गया, तो ये टोटली आ गया एच कट बट्टे 2 रूट के बाई एम। के होता है, के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, इसका मान रख दो आप, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एच कट ओमेगा, हाफ एच कट ओमेगा। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मिनिमम एनर्जी है वो हमने निकाली। देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट आंसर आ गया है। एक्चुअली में क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो क्या है, एक्चुअल में अनसर्टेन ही रिजल्ट देता है लमसम पास पास का, तो एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बाई चांस ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये था 0 पॉइंट एनर्जी और फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ये टॉपिक जो था हमने इसका कुछ पार्ट जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, और कुछ जो है वो अभी आज हमने इसका कंप्लीट किया, ठीक है। जैसे हम लोग एक ही आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, जैसे एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेक्चर हम लोग अपलोड करें तो वो देखना आपको ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर जैसे कोई लेंथी टॉपिक होता है तो उसको 2 वीडियोस बना के या ज़्यादा बना करके उसको अपलोड करें। अगर कोई भी परेशानी आती है वीडियोस में, जैसे कि वॉइस क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी है या जैसे कोई अनदर मेथड है जिसको आप ज़्यादा बेटर मानते हो कि किसी तरीके से पढ़ाना ज़्यादा सही रहता है, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीज़ें समझ में आती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो इट विल बी गुड, और अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा, या कल और आज के लेक्चर में दोनों में कंटिन्यू, ये पूरा टॉपिक जो है कल और आज के लेक्चर को मिला करके है, इसको सेक्शन में डिवाइड किया हमने। कल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसकी अंदर टर्निंग पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, और उसकी जो आइगन इक्वेशन है, या यूँ कहें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको किस तरीके से हर्माइट इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली, और फिर उसके बाद आइगन फंक्शन किस तरीके से निकाले, आइगन फंक्शन सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है किस तरीके से है, और उसके बाद हम लोगों ने आज हमने बात करी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और क्वांटम प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में उनका कंपैरिजन किया, ठीक है। और फिर हमने 0 पॉइंट एनर्जी जो है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी थी इन क्लासिकल एंड क्वांटम उसको क्लैरिफाई किया। क्लासिकल का ये कहना कि 0 पे 0 होनी चाहिए, उसको गलत साबित किया विद क्वांटम विद प्रूफ, कि क्यों क्वांटम जो है वो ये कहती है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्स और पी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो और मैसेज कर सकते हो, ताकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है कोई भी प्रॉब्लम तो अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, मज़े करो। आज छोटा सा वीडियो बनाया है तो आराम से पढ़ के इसको फ्री हो जाओ, नोट्स तैयार कर लिया करो साथ के साथ।